गुरुजी प्रणाम। पहले आशीर्वाद। आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है हम लोग के इस पेज में आके? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब पिछले सदी के और आने वाले सदियों के सबसे बड़े जो महानायक आप बोलेंगे हमारे शास्त्रीय संगीत के, वो बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया हमारे संगीत को रखने के लिए, अच्छी तरीके से उसको सिखाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, सीखने में पूरा अपना जीवन। तो आज उनके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हाँ गुरुजी, तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो आपको, मतलब आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, पहला प्रश्न मेरा ये है कि व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब आपके अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज दैट कंट्रीब्यूशन? यू मीन द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन? यस। या हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इमेंस आहिर। बाबा अलाउद्दीन खान साहब, वॉट ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विल टेक मेनी 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 सेंचुरीज टू बी मेजर्ड, एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन टू पीपल हु हैव लर्न फ्रॉम हिम डायरेक्टली and also indirectly who have followed his disciples and grand disciples. So his contribution is immense. It's immense, and it will take a long, long time for people to really understand what he has done for our classical music. हाँ, ये तो हम देखते हैं जब हम लोग राघव फिल्म देखते हैं, पंडित जी का जो डॉक्यूमेंट्री है, हम उधर देखते हैं कि पंडित जी आते हैं, फिर वो बाबा के गले में वो माला चढ़ाते हैं, फिर बाबा उनको ऐसे करके उनको हक करते हैं कि उससे पता चलता है कि उनका जो इंटरनल कनेक्शन था एज ए डिसाइपल एंड गुरु। वो फिर पंडित जी जो वो अपनी गुरुमा है मदीना मदीना बेगम जी, उनको देखकर भी वो रो पड़ते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि पंडित जी कितना मिस करते थे उन लोग को, जब वो बाहर थे, जब वो इंडिया में आए तो वो कितना मिस करते थे, वो हमको देख के पता चलता है। तो वो मिस करने का बात नहीं है, ये हाँ, उससे भी ऊपर का चीज है। ये शो करता है, ये दिखाता है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो कितना गहरा है। ये गुरु भक्ति शो करता है। ग्रेट स्टॉलवर्ट, ये जो फिल्म बना था वो 60s के एंड में बना था, अर्ली 70s में। तब तक पंडित रविशंकर जी वॉज अ सुपर स्टार, ही वॉज अ ग्लोबल आइकॉन, और जिस गुरु भक्ति से उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, जिस प्यार से बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने उनको गले लगे, जिस प्यार से गुरुमा उनको अपने अपने गले से लगा के रोए, ये दिखाता है कि उनमें कितना कितना प्रेम था। वो एक शागिर्द का गुरु भक्ति बोलिए, एक गुरु का आशीर्वाद बोलिए, प्यार बोलिए, ये वो दिखाता है। आप गुरु को मिस नहीं कर सकते हैं। गुरु गुरु जो है वो आपके साथ हरदम है, क्योंकि उन्होंने जो आपको संगीत सिखाया है, जो विद्या दिया है, वो आप हर दिन आप उसको गाते हैं बजाते हैं, तो गुरु आपके साथ रहता है। गुरु मिस करने का चीज नहीं, मिस करना बहुत एक छोटी बात हो जाती है। हम गुरु को कोशिश करते हैं कि गुरु ने जो हमको दिया है हम इंसाफ कर सकें, हम गुरु का जो रास्ता उन्होंने हमको बताया है, जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है, जो रास्ता उन्होंने बोला है इस रास्ते पे चलो, वो हम जिंदगी भर कोशिश करते हैं उस रास्ते पे चलने का। तो वो जो फुटेज है वहां पे वो शो करता है, वो दिखाता है कि एक गुरु शिष्य का क्या संबंध था, क्या होना चाहिए, और फिर बाद में म्यूजिक रूम में जाके वो एक छोटे से म्यूजिक रूम में कैसे तालीम होता था उसका एक झलक भी हमको मिलता है। सो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण
फुटेज है जो जो अब हमारे साथ रहेगा, हमारे आगे वाले जितने पीढ़ी आएंगे सब इसको देखेंगे, इससे सीखेंगे, इससे इंस्पायर होंगे। हाँ गुरुजी, ये आपने एकदम सही कहा कि वो क्लिप इतना हम लोग के लिए एक मतलब एक इतना महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी मैं समय पाता हूँ तो मैं वो चीज को हर बार देखता हूँ, क्योंकि वो मुझसे वो मैं जब भी देखता हूँ वो मुझको बहुत सीख देती है कि कैसे मतलब हम सीख सकते हैं। तो यही हम लोग का आजकल की दुनिया में हम लोग को एक ऐसा चीज भी मिला कि हम टेक्नोलॉजी यूज करके पुराने चीज को जो हम लोग का लॉस्ट हो गया अभी जो हम लोग फिर से वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसको कैसे करेंगे वो हम आज देख सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम लोग रिमास्टर कर सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो गुरु जी, मेरा सेकेंड प्रश्न ये है कि बाबा मेड सो मेनी चेंजेस इन सरोद एंड सितार। वो तो सरोद एंड सितार में बहुत सारा चेंजेस लाए थे, लेकिन हाउ डू यू इवेलुएट हिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल इनपुट्स इन टूडेज म्यूजिक। सी चेंजेस से भी ज्यादा बाबा ने बहुत सारे एडिशंस किए थे। वो सबसे बड़ी बात जो है, बाबा हमारे संगीत में एक ऐसे समय में आए थे जब लोग सिखाने में विश्वास नहीं करते थे। बाबा को खुद बहुत परेशानी हुआ इस संगीत को सीखने में। वो जहां पैदा हुए थे और जब तक वो मैहर पहुंचे, वो अपने आधे से ज्यादा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया था अलग अलग उस्तादों के पास जाके सीखने में। वजीर खां साहब, उस्ताद वजीर खां साहब जो उनके जो फाइनल गुरु थे, जिनके पास रह के उन्होंने पूरा बीनकार जो स्टाइल का जो तालीम है जो लिया, वहां भी उनको बहुत मुश्किल हुआ तालीम लेने में। क्योंकि जब आप एक संगीत घराने में आप बिलोंग नहीं करते हैं, जब आपके माँ बाप संगीतकार नहीं है बहुत जाने माने, तब लोग आपको सिखाना नहीं चाहते हैं। और उस समय तो बहुत ज्यादा था। तो बाबा ने बहुत कष्ट करके इस संगीत को सीखा, लेकिन फिर बाबा ने ऐसा किया कि हम जब सिखाएंगे, हम कोई भेदभाव ना करके, हम जो भी हमारे पास श्रद्धा से आएंगे हम उनको सिखाएंगे। बाबा किसी से कोई फीस नहीं लेते थे, उनका देखभाल करते थे। और सबसे बड़ी बात है, जो उस समय का जो हमारा जो संगीत था, वाद्य संगीत जो था, वो इतना विस्तृत विस्तृत नहीं था। वो बहुत उसका दायरा जो था उतना बड़ा नहीं था। आज जो हम अलाप जोड़ झाला सुनते हैं, ध्रुपद अंग का जो अलग अलग स्टेजेस का जो अलाप है, फिर जोड़ के अलग अलग अंग हैं, जोड़ में भी फिर आपका ताल के साथ जो जो पक्ष है, फिर उसके बाद जोड़ झाला है, उसके बाद गत। पहले सिर्फ एक तरीके का गत होता था, या तो आप मसीद खानी बजाते थे या आप रजा खानी बजाते थे। ये विलंबित गत बजाना, फिर अलग अलग तालों में गत बजाना, फिर तालों में भी अलग अलग ढंग के तोड़े होते हैं, अलग अलग ढंग के तान होते हैं, अलग अलग तरीके के तान होते हैं, विस्तार होता है। तो ये जो एक पूरा जो एक सिस्टम है, ये बाबा अलाउद्दीन खान साहब का देन है। उसके बाद इतने सारे रागों का बजाना, इतने सारे रागों का इंस्ट्रूमेंट में आप यमन ले लीजिए, मारवा ले लीजिए, दरबारी ले लीजिए, कितने सारे सारे राग हैं जो सब उन्होंने उसका तालीम दिया, उसको बजाया, खुद भी बजाया, उनके शागिर्द लोगों ने भी उसको बजाया। और जो एक और कंट्रीब्यूशन है उनका, नए रागों का रचना, जो पहले आपको मिलता था, एक दो राग मिलेगा संगीतकार लोग, लेकिन लेकिन बाबा के समय से वो कितने सारे राग हैं बाबा के जो आज आज इतना प्रचलित हैं। हेमंत है, हेम बिहाग है, कौशिक भैरव है, कितने सारे राग हैं बाबा अलाउद्दीन खान साहब के। तो ये जो एक एक उनका जो जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ एकदम ठीक, एकदम गुरुजी आपने एकदम ही ठीक कहा। और अगर हम आज की दुनिया में देखें तो
वो सिंपल लिविंग थे और उनका थिंकिंग बहुत हाई था, सिंपल लिविंग एंड मोर मतलब हाई थिंकिंग। था कि उनका 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 लाइफ बहुत रिच था, क्योंकि उनका उनके लाइफ में इतना खूबसूरत म्यूजिक था, उनके लाइफ में इतना सारा समय उन्होंने संगीत को दे दिया, और जो महाराजा ऑफ मैहर थे उनका देखभाल करते थे, महाराजा ऑफ मैहर उनको उनको जगह दिए थे उनको रहने के लिए। फिर सो बाबा लोदे, जब आप अच्छा काम करते हैं तो ऊपर वाला आपको आपका देखभाल करता है, ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देता है कि नहीं आप अपना काम करो मन से, बाकी मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। सो ये जो है ये एक एक बात जो है, और बाबा जो थे वो सब धर्म को वो रेस्पेक्ट करते थे, वो माँ शारदा का पूजा भी करते थे मंदिर में जाके, उन्होंने कितने सारे गाने लिखे हैं जिसमें माँ शारदा का वर्णन होता है, उनके घर में माँ काली से लेके सब देवी देवता के फोटो था, वो नमाज भी पढ़ते थे, वो चर्च में भी जाते थे, जाके मदर मेरी को देख के रोते थे कि अरे माँ आप आपके मन में कितना दुख है कि आपने अपने बेटे को ऐसा देखा। तो बाबा के अंदर एक बहुत एक ही वॉज वेरी ह्यूमन बट ही वॉज अ हाईली इवॉल्व्ड ह्यूमन हु सॉ थिंग्स बियॉन्ड रिलीजन, हु सॉ थिंग्स बियॉन्ड रेस एंड बाउंड्रीज एंड कंट्रीज एंड एवरीथिंग। बाबा वॉज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी वाइज, वेरी नोबल एंड अ वेरी ही सॉ इन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ही प्रैक्टिस्ड इट इन द ट्रू सेंस। सच में आज जो हम लोग देखते हैं कि सब जगह धर्म को लेकर इतना इतना मारा पीटी होता है, सब होता है, जो हम लोग इंडिया में भी देखते हैं, सब लोग है, हिंदू मुस्लिम, मतलब आज भी हम लोग इस बैरियर से, हम लोग बोलते हैं कि कोई बैरियर नहीं है, सब ह्यूमंस है, लेकिन फिर भी ये बैरियर हम लोग कहीं कहीं जगह पे हम लोग ये महसूस करते हैं कि है। तो यही वो मैंने भी पूरा राग अनुराग में वो पंडित जी ने लिखा था, वो किसी धर्म को सम्मान नहीं, वो सब धर्म मानते थे। और आपने जो अभी कहा मैहर के जो राजा थे, जब अन्नपूर्णा देवी जन्म ली थी तब अन्नपूर्णा देवी जो नाम मैहर के राजा ने ही रखा था, उनका नाम रोशनोरा खान था। करेक्ट हाँ, तो गुरुजी मेरा अगला प्रश्न है कि इस पैंडेमिक में हम उनके संगीत जो है, उनका जो संगीत है, हम लोग तो इतना सारा रिकॉर्डिंग है पंडित जी का, लेकिन उस्ताद जी का जो रिकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने कुछ सुना है वो सुर श्रृंगार में राग नट बजाए या वायलिन में बिहाग, तो हम लोग उस जब वो सुनेंगे उसका आनंद हम लोग या उससे सीखेंगे भी, आनंद भी लेंगे, और हम लोग समझेंगे कि वो राग को कैसे मतलब विस्तार आलाप करके वो कैसे राग को और भी सुंदर करते थे, तो वो हम कैसे समझेंगे सबसे राग की। बड़ा सीख जो है उनका, एक तो आप जो बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं, वो एक दो तीन नहीं, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, सुर सिंगार बोलिए, रबाब बोलिए, सरोद तो बजाते ही थे, फिर वायलिन, आप नाम बताइए और वो इंस्ट्रूमेंट बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब बजाते थे। बाबा से जो पैंडेमिक के समय जो सबसे बड़ी सीख हमको लेनी है, संगीत तो उनका हमारे साथ है, रहेगा, और जैसे उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था, क्योंकि जब उस्ताद वजीर खां साहब का उम्र हो गया, जब वो उनका तबीयत ठीक नहीं था, उनके अंत समय में बाबा ने उनका जाके सेवा किया था, बहुत सेवा किया था, तो उन वो इस पृथ्वी से जाने से पहले उन्होंने बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को आशीर्वाद दिया था कि आलम बोलते थे उनको, जब तक इस दुनिया में सूरज चांद और तारे हैं कोने कोने में तुम्हारा नाम रहेगा, ये तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, मैं वो आशीर्वाद दे के तुमको जा रहा हूं, और आज इतना सच है वो बात, हाँ दुनिया में कोने कोने में जाइए, पंडित रविशंकर जी एक ऐसा उनके उनके शागिर्दों में
पंडित रविशंकर जी बोलिए, उस्ताद अली अकबर खान साहब बोलिए, पंडित निखिल बैनर्जी बोलिए, अन्नपूर्णा जी बोलिए, आप पन्ना लाल घोष जी बोलिए, आप फिल्म्स में देखिए, फिल्म्स में कितने सारे कंपोजर्स। अभी कल ही मैं एक राज कपूर का जो फर्स्ट मूवी था आग, उसका उसका हम गाना सुन रहे थे। वो बाबा के फर्स्ट शागिर्दों में से थे, तिमिर बरन बाबा के फर्स्ट शागिर्द थे। फिर रोशन, सच अ ग्रेट म्यूजिक कंपोजर, ये हमारे आज जो ऋतिक रोशन है उनके ग्रैंडफादर, ही वाज बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब डिसाइपल। अनु मलिक के पिताजी सरदार मलिक। फिर हमारे जो जयदेव जी थे, कितने अच्छे म्यूजिक कंपोजर थे, वो बाबा के जो जो सुपुत्र उस्ताद अली अकबर खान साहब उनके शागिर्द थे। और हमारे जो राहुल देव बर्मन जी, वो अली अकबर खान जी के। राहुल देव बर्मन जी ने सीखा था। काफी लोगों ने, आशा भोसले ने गंडा बांधा था उस्ताद अली अकबर खान साहब से। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोने कोने में आपको ये नाम हरदम मिलेगा, और खाली नाम नहीं मिलेगा, वो संगीत आपको मिलेगा। हाँ लेकिन इस पैंडेमिक के समय जो मैं बोलना चाहता हूँ, बाबा से सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि बाबा का नाम बहुत हो गया था, बाबा ने विश्व भ्रमण किया था उदय शंकर जी के साथ, बाबा हाँ अच्छा बजाते थे, बाबा वॉज अ वेरी हैंडसम मैन, ही वॉज इंटेलिजेंट, बट ही चोज टू गो एंड स्टे इन अ स्मॉल विलेज लाइक मैहर एंड डेडिकेट हिज लाइफ टू म्यूजिक। पैंडेमिक इज द राइट टाइम फॉर अस टू गो विद इन आवर सेल्व्स, गो बैक टू आवर रियाज, गो बैक टू फाइंडिंग हु वी आर। सो वो एक कोने में ने बाबा ने, एक छोटे से एक जगह में बाबा ने अपना शांति ढूंढ लिया। पैंडेमिक के समय सबसे बड़ा जो सीख है हमको बाबा अलाउद्दीन खान साहब से ये लेना है कि कम में, एक छोटे से उसमें हम कैसे अपना शांति ढूंढ सकते हैं। नहीं तो अगर आप वहां नहीं मिलेगा, आप कहीं भी चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। एकदम गुरु जी, आपने एकदम सही कहा। और आपने जो ही बोला आलम, मुझको आलमगीरी याद आ गया। उस्ताद अली अकबर खान जी ने, मैंने एक रिकॉर्डिंग सुना था, वो यूट्यूब में रिलीज हुआ था 1970 में। उस्ताद अली अकबर खान जी और उस्ताद जाकिर हुसैन वो बांग्ला में बोल रहे थे कि आज बाबा का, या बाबा बाबा से इंसिडेंटली कुछ है, तो बोल रहे थे मैं अभी एक राग बजाने जा रहा हूँ आलमगीरी। और इतना सुंदर वो रिकॉर्डिंग है, मैं वो 2 बार सुना, लेकिन 30 मिनट का था, लेकिन फिर भी मन नहीं चाह रहा था कि मैं उसको ना सुनूं, इतना अच्छा है। तो मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे बाबा बाबा का तो बहुत सारे जीवन में इंसिडेंट हुआ है, लेकिन आप कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर कीजिए जो हम लोग नहीं जानते। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। बाबा का लाइफ इज फुल ऑफ इंसिडेंट्स, बाबाज लाइफ इज फुल ऑफ सैक्रिफाइस, बाबाज लाइफ इज फुल ऑफ बाबा बाबा का लाइफ जो हमने गुरुजी से सुना है कि चर्च में गए, वो यूरोप में थे, इन लोग बाबा गए वहां, मदर मेरी को देख के बाबा रोने लगे, इतना इतना ही बिकेम सो इमोशनल। बाबा एक म्यूजिक एक बार सुनते थे, बाबा को याद हो जाता था, 2 बार उनको सुनना नहीं पड़ता था, एक बार वो सुनेंगे। बाबा वॉज अ ग्रेट नोटेशन राइटर। कोई भी पीस ऑफ म्यूजिक उनको आप बजाइए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी, बाबा झट से उसका नोटेशन कर लेते थे। हमारे घर के साथ बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बहुत एक घनिष्ठ बोलेंगे, एक घरेलू बोलेंगे, वो संबंध था। बाबा अलाउद्दीन खान साहब इलाहाबाद आते थे, हमारे घर में रहते थे। मेरे पास एक एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस, वेयर बाबा के गोदी में अपना हाथ रख के लीनिंग इज माय फादर, हु वाज हार्डली मे बी 12 years ओल्ड दैट टाइम, सच में माय ये तो ग्रैंडमदर, प्राइसलेस। प्राइसलेस, माई ग्रैंड मदर इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, माई ग्रैंड फादर इज देयर, माई अंकल इज देयर, एंड माई फादर हार्डली 12 years ओल्ड, ही इज लीनिंग ऑन बाबाज लैप। बाबा बहुत प्यार करते थे, बाबा बहुत चाहते थे कि मेरे पापा
मैहर जाके उनके पास रहे, बट बाबा नेवर नेवर टुक दैट प्लंज। बट जब भी वो आते थे, घर में रहते थे, वो हमारे अंकल, बड़े सबसे बड़े अंकल को तालीम उन्होंने दिया। मेरे जो फोर्थ अंकल थे, उन्होंने जब अपना स्कूल झनकार शुरू किया, बाबा ने ब्यूटीफुल माँ सरस्वती का प्रेयर अपने हाथ से लिख के, आशीर्वाद लिख के उन्होंने पोस्ट कार्ड भेजा था कि हमारा आशीर्वाद है, बहुत अच्छा तुम्हारा स्कूल चले। सो बाबा बाबा का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत बहुत। बाबा अगर नहीं होते तो हमारा संगीत जो है, पता नहीं आज किस दशा में होता। सच में एक तरफ बाबा है और एक तरफ हम लोग के पंडित जी रविशंकर जी है, एकदम तो एकदम बाबा एक अलौकिक खां साहब, उन्होंने सब सब अलग अलग जगह से उन्होंने सीखा, उसको एकत्र किया, उसको एक झोली में डाला, उसके बाद शागिर्दों को लाके उसको खोल के सामने रख दिया कि अब इसमें से जो जो ले सकेगा। इसीलिए आप देखेंगे उनके एक शागिर्द से दूसरे शागिर्द में कितना कितना स्टाइल में, अप्रोच में, सब में इतना अंतर है, क्योंकि उनके पास इतना वास्ट नॉलेज था। हर एक शागिर्द को वो अलग अलग तरीके से, और पंडित रविशंकर जी ने फिर उसमें चार चार लगा दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन, हिज एक्सपोजर, ही वॉज एबल टू टेक दिस म्यूजिक ऑल ओवर इंडिया एंड देन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे, वेरी मीनिंगफुल वे। और हम लोग एक चीज भी देखते हैं, वो एकदम क्या बोलूं, वो एग्जिस्ट भी करता है और एग्जिस्ट किया कि बाबा ही लिव मोर देन 100 इयर्स और पंडित जी ही 95 के 93 में जब थे वो गुजर गए। सो ये हम लोग को एक सीख मिलता है कि He was 92. He was not yet 93. He will be 93 93 in April of next year. अप्रैल, हाँ He was 92 plus. But yeah, almost 93. But तो it's not important. I think it is not important. More important is that in 92 years and 100 odd years, what Baba Usadin Alauddin Khan Saab lived, the contribution they have done, वो लोग 1,000 साल में भी नहीं कर पाएंगे, जो हाँ, उन्होंने अचीव किया, और जो बाबा जी जब सिखा रहे थे पंडित जी को 1972 में, उनका 110 में वो गुजर गए थे, तो 1968 जो हम क्लिप देखते हो, 1968 और 67, तो मिनिमम 106 से 107 फिर भी वो गा रहे थे, मतलब हाँ, वो एकदम लास्ट तक, इतना लास्ट। लास्ट तक उन्होंने उन्होंने संगीत का चर्चा उन्होंने छोड़ा नहीं। पंडित रविशंकर जी भी 1 महीना पहले अपना हाँ, ऑक्सीजन संगीत, ट्यूब उन्होंने कॉन्सर्ट बजाया है कैलिफोर्निया में। 6 नवंबर, सो ये सब तो अवतार पुरुष हैं, ये इसी काम के लिए आए थे, इसी काम को करते करते ये चले गए। हाँ। अब गुरुजी, मैं आपसे एक इससे थोड़ा अलग प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो कहा कि हम बाबा के संगीत को हम कैसे लेंगे, अब अगर हम पंडित जी की बात करें, पंडित जी का तो इतना रिकॉर्डिंग है, वो कलेक्ट करना क्या, वो एक एक जगह में इकट्ठा करने के लिए अगर रखेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, इतना रिकॉर्डिंग, इतना लंबा लंबा, 4 घंटा 3 घंटा, तो जब हम उनको सुने, उनको जब हम सुने, उनको हम कैसे ले, क्योंकि उनका मैंने एक चीज देखा है कि वो जब किसी इंडिया में कॉन्सर्ट करते थे या फिर बाहर में, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब वो किसी बाहर में जाके बजाते थे, वो पहले किसी गत गत से शुरू करते थे, पहले एक राग को लिया, वो 7 मिनट या 6 मिनट प्रेजेंट करके फिर वो एक तबला सोलो रख के फिर वो आलाप करते थे। लेकिन इंडिया में, मैंने इंडिया का जो रिकॉर्डिंग मैंने सुना, उधर मैंने देखा कि वो एकदम इधर वो ऐसे करते थे और वो एकदम आलाप करके विलंबित पकड़ के फिर गत पकड़ के फिर उसका अच्छा से उन्होंने खत्म खत्म करते थे वो। तो ये क्या हम लोग कह सकते कि उनका जो बाहर का जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल और इंडिया में जो रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या अलग है या सेम है, या ऑडियंस अलग के अलग नहीं है, सेम है, सेम है। सेम पहली है? बात है, इट इज सेम। दूसरा जो मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जस्ट शुरू के 1-1.5-2 साल उन्होंने जो कॉन्सर्ट्स विदेश में बजाया था, उसमें यहाँ के लोगों को उस संगीत से
परिचय कराने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए एंड टू गेट यूज्ड टू दैट म्यूजिक उन्होंने ड्यूरेशन शॉर्ट किया था। उन्होंने ऐसा नहीं था कि 6 मिनट का आलाप बजाया या गद से शुरू किया, उन्होंने कभी गद से प्रोग्राम शुरू नहीं किया है, कभी नहीं। वो फॉर्मेट हरदम वही था, आलाप होता था, गत होता था, द्रुत गत होता था, बीच में तबले का एक सोलो होता, लेकिन ड्यूरेशन सबका शॉर्ट होता था। लेकिन ये नहीं कि गत से शुरू हो गया कोई प्रोग्राम, या कोई प्रोग्राम ठुमरी से उन्होंने शुरू कर दिया, या कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं किया उन्होंने कभी। नहीं, जो ठुमरी में एक एक राग मान लीजिए उन्होंने यमन ले लिया, अगर उन्होंने इंडिया में उसको 3 घंटा बजाया, वो सेम चीज उन्होंने 30 मिनट में यहाँ पे प्रेजेंट किया, लेकिन फॉर्मेट वही था। फॉर्मेट मतलब छोटा सा आलाप करके फिर वो गत पकड़। आलाप में भी, आलाप को भी हम छोटा नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने आलाप भी यहाँ पे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट आलाप बजाया है, 45 मिनट, 50 मिनट आलाप बजाया है। हाँ, यहाँ पे भी उन्होंने 3-3, 4-4 घंटा प्रोग्राम बजाया, यहाँ पे उन्होंने होल नाइट प्रोग्राम बजाया है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि उन्होंने गत से प्रोग्राम शुरू किया, एक बड़ा तबला सोलो रख दिया और 7 मिनट में आलाप, ऐसा 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 ऐसा, ये गलत है। ये तो प्रोग्राम का फॉर्मेट वही होता था, उसमें भी उन्होंने जो राग का प्यूरिटी है उन्होंने रखा, उसमें भी उन्होंने जो जो ताल है, ताल को जैसे उसको वो करना, और एक ढंग से, जो ढंग से वो इंडिया में बजाते थे उसी ढंग से उन्होंने विदेश में भी बजाया। शुरू में ड्यूरेशन उसका थोड़ा कम था, जैसे आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, रिकॉर्ड वाज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड फॉर 3 आवर्स। 3 मिनट के भी रिकॉर्ड होते थे, 10 मिनट के भी होते थे, 15 मिनट के भी होते थे, आधे घंटे के भी होते थे, जो जैसा रिक्वायरमेंट जहां था। हमारा म्यूजिक जो है ये पानी के तरह है, आप जिस वेसल में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, इट इज सो फ्लेक्सिबल, सो ब्यूटिफुल। तो उसी हिसाब से उन्होंने उसको जहां जैसा उन्होंने समझा अपने बुद्धि से और अपने इंटेलेक्ट से, उन्होंने उस हिसाब से प्रेजेंट किया। दैट्स व्हाई ही वाज सो सक्सेसफुल, देयर वाज नोबडी मोर सक्सेसफुल देन हिम, बिकॉज़ ही अंडरस्टूड द पल्स ऑफ द ऑडियंस, ही अंडरस्टूड द पल्स ऑफ द प्लेस, ही अंडरस्टूड। अगर आप कहीं बजाते हैं लोगों को अच्छा ना लगे, क्या कितना भी आपका ग्रामर अच्छा हो, आपका रागदारी अच्छा हो, क्या फायदा है आपका? अगर आप बोलेंगे नहीं मैंने जो सीखा है मैं वही बजाऊंगा, देन बेस्ट इज यू प्ले इन योर म्यूजिक रूम। But when you are playing on stage, you are playing for somebody, and that somebody is very important because you are playing for them. So you have to play in a way that unko samajh mein aaye. Aapne aisa baja diya unko kuch samajh mein hi nahi aaya. So you are giving a bad representation of Indian music. Kare Indian music to aisa hai. Indian music boring hai. Indian music is not good. They go back and they say, "My God, this is outstanding. This is one of the best music we have ever heard." As a result, people followed him. As a result, people followed other musicians. As a result, till date, people are traveling all over the world and playing this music. It's one of the greatest contributions anybody can do, what Pandit Ravi Shankar ji did. Ekdam Guruji. Aur main aur ek prashna puchna chahta hu ki how Maihar Gharana is distinguished among the other Gharanas? Well, Maihar Gharana is an extension of the Beenkar Senia Rampur Gharana. Okay, Baba learned from the descendant of Mia Tansen from his daughter's side. Jo ek Rababia the, ek Beenkar the. Rababia unke ladko ke side se, Beenkar unke son-in-law Misri Singh Naubat Khan jin ka naam baad mein hua, aur unki daughter Saraswati Devi. जो लीनियज था वाज उस्ताद वजीर खान साहब, एंड दबीर खान साहब वाज द लास्ट लिविंग डिसेंडेंट ऑफ ब्लड रिलेशन ऑफ दैट। एंड बाबा वाज सो फॉर्चुनेट दैट उस्ताद वजीर खान साहब ट्रीटेड हिम लाइक अ सन इन द एंड, टू द एक्सटेंट दैट ही सेड कि मेरे बाद मेरे जो जो लिविंग डिसेंडेंट्स हैं तुम उनको तालीम दोगे। लेकिन बाबा का गुरु भक्ति देखिए, बाबा ने जब भी अपने गुरु के बच्चों को या उनके ग्रैंड किड्स को सिखाया, बाबा नीचे बैठते थे, उनको ऊपर बैठाते थे। बाबा उनको प्रणाम करते थे कि मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मेरे आपके बुजुर्गों ने जो हमको दिया मैं आपको वो वापस दे रहा हूँ, ये मेरा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू वॉट आई हैव गॉट फ्रॉम योर फैमिली।
सो दैट वॉज हिज ग्रेटनेस, दैट वॉज हिज ग्रेटिट्यूड. सो मैहर बाद में इसीलिए एक अलग घराने के नाम से जाना गया. कभी बाबा अलाउद्दीन खां साहब ने मैहर घराना बोल के कुछ नहीं बोला. बट वॉट हैपेंड वॉज बिकॉज बाबा अलाउद्दीन खां साहब राइट फ्रॉम हिज डेज इन ईस्ट बंगाल, तब तो पार्टीशन नहीं था, एवरीथिंग वॉज इंडिया, एवरीथिंग वॉज हाँ अनडिवाइडेड इंडिया. वहां से लेके कैलकटा आना, फिर वहां पे थिएटर में काम करना, वहां पे गिरीश घोष के संपर्क में आना, फिर डूलो गोपाल के पास 6 साल सिर्फ सरगम पलटे सीखना, फिर अहमद अली खान साहब के पास कुछ दिन सीखना, फिर करते 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 फिर रामपुर में भी जब बाबा आए, द फ्यू इयर्स वजीर खान साहब जब उनको शागिर्द तो मान लिए थे लेकिन सिखा नहीं रहे थे, तो बाबा क्या करते थे, क्योंकि रामपुर उस समय इतना एक हॉट सीट ऑफ आवर म्यूजिक इट वॉज, वहां अलग अलग घराने से अलग अलग जगह से लोग आते थे, बाबा उनका सेवा करते थे, बाबा उनको चाय बना के देते थे, उनका पैर दबाते थे, उनको उनका सामान लेके उनको हेल्प करते थे. तो एज अ रिजल्ट वो बोलते थे चलो इस राग में ये बंदिश सीख लो, अच्छा ये राग में ये एक पलटा सीख लो. तो बाबा बाय द टाइम बाबा लर्नड मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ हिज लाइफ एंड ही फिनिश्ड हिज तालीम फाइनली फ्रॉम उस्ताद वजीर खान साहब, जब वो मैहर गए, बाबा हैड अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ मेनी 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 डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स एंड घरानाज. ये मिलके जब बाबा ने फिर उसको अपने उससे जब तालीम देना शुरू किया, एंड इट वेंट टू ऑल द ग्रेट माइंड्स लाइक पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित निखिल बैनर्जी, आपके अन्नपूर्णा देवी जी, पन्नालाल, अन्नपूर्णा जी, पन्नालाल घोष जी, यू जस्ट नेम इट. तो उसमें क्या हुआ, दिस म्यूजिक हैड अ वेरी 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 डिस्टिंक्ट कलर, इट हैड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल, इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स विच वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम. मतलब गुरु जी रेनबो है उसके अंदर जो एंड सेवन कलर्स एंड सेवन लाइक से भी दैट, ज्यादा, सेवन से भी ज्यादा. हाँ हजारों रंग है, यू कैन नॉट कंटेन इट इन एनी, कुछ कुछ उसको उसको आप नाम नहीं दे सकते, इट बिकेम एब्सोल्युटली लाइक एन ओशन, एंडलेस, अच्छा. ना उसका गहराई आप नाप सकते हैं, ना हाँ वो कितना लंबा है आप नाप सकते हैं, इट वॉज एब्सोल्युटली. सो एज अ रिजल्ट, एंड उन्होंने अपने रहते हुए उन्होंने 3-4 जेनरेशन को उन्होंने सिखाया, उन्होंने अपने जेनरेशन में जो उनके एज ग्रुप में सब थे उनको सिखाया, उसके बाद नेक्स्ट जेनरेशन आप देख लीजिए पंडित रविशंकर जी से लेके, यू जस्ट नेम एंड दे आर ऑल द ग्रेटेस्ट स्टॉलवर्ट्स ऑफ आवर म्यूजिक. फिर नेक्स्ट जेनरेशन आप देख लीजिए उस्ताद आशीष खां साहब, जो हमारे आज मैहर घराने के हमारे खलीफा हैं, मैं भी हाँ प्रणाम करता हूँ, वंडरफुल ग्रेट सरोद प्लेयर, अ ग्रेट मास्टर टीचर, एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू नो, सो लिविंग लेजेंड. दैट एब्सोल्युटली, एंड दैट जेनरेशन, एंड देन उनके बाद भी तो 3-4 जेनरेशन को उन्होंने खाली सिखाया ही नहीं, उनको एस्टैब्लिश किया, दे ऑल हाँ बिकेम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. सो बाय द टाइम इट बिकेम, इट केम टू पंडित रविशंकर जी, एक अलग स्टाइल, एवरीबडी स्टार्टेड टू फॉलो दैट. अलाप जोर झाले का ये स्टाइल कोई नहीं उसके पहले बजाता था, हाँ झपताल में गत कोई नहीं बजाता था, धमार में गत कोई नहीं बजाता था, आड़ा चौताल कोई नहीं बजाता था, रूपक ताल कोई नहीं बजाता था, द्रुत एक ताल हाँ कोई नहीं बजाता, द्रुत एक ताल में झाला कभी किसी ने सोचा भी नहीं था. एक एक राग में आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आलाप जोड़ झाला बजा सकते हैं पखावज के साथ, वो भी लोग नहीं, लोगों को. तो ये एक जो नया स्टाइल बन के सामने आया वो धीरे 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 धीरे, मतलब ये स्टाइल सो साइंटिफिक है, मतलब एक के बाद साइंटिफिक एक. सब है, साइंटिफिक सब है, ऐसा नहीं है सब लोग जो बजाते हैं हाँ साइंटिफिक, ऐसा नहीं है, वी शुड नॉट बी बायस्ड, दैट इज वन थिंग वी नाइस. शुड नॉट बी. सो मैं जो 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 इसमें जो जो हुआ वो मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही साइंटिफिक है बाकी नहीं है, ये बेस्ट है बाकी नहीं है, ऐसा नहीं है, सब अच्छा है, बट ये जो जो चेंजेस हुआ बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्टेड साउंडिंग वेरी डिफरेंट, इट वॉज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन राग एंड ताल, एंड ऑल्सो इट बिकेम सो फेमस थैंक्स टू द प्रैक्टिशनर्स, एवरीबडी स्टार्टेड टू फॉलो दिस.
एंड स्लोली दिस नेम मैहर मैहर घराना स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज अ स्टाइल बिकॉज दिस स्टाइल वॉज सो यूनिक सो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रिवेलेंट इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल्स विच वॉज देयर दैट टाइम. हाँ सो साइंटिफिक सब है, ऐसा नहीं, राग ताल जो भी बजाते हैं सब साइंटिफिक है. कोई कोई और गुरुजी इसमें और एक आपने पार्टीशन का जो बात कहा, वी नो दैट इंडिया 1947 में इंडिया का जन्म हुआ था एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, तो उसके पहले बाबा बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब और पंडित रविशंकर जी और उनके जो शागिर्द थे उन लोग ने क्या ये जो हम लोग का जो इतना हैरेसमेंट है, इतना जो अत्याचार चले, उन लोग क्या वो फेस किए थे जब वो मैहर में रहते थे? जरूर किए होंगे, जरूर किए होंगे, क्योंकि इट चेंज द होल फेस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इट चेंज द फेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जरूर फेस किए थे एंड दे वर वेरी अपसेट, दे वर वेरी सैड बिकॉज बोथ साइड्स दे हैड रिलेशंस इन विच लेटर इन 1971 बिकेम बांग्लादेश. हाँ So it was a very, very troubled, very sad, very for everybody, not just them, for everybody. Until date, people feel the sorrow. So, जरूर जरूर, I'm sure they have felt it. हाँ गुरुजी, अभी जो हमने देखा कि पंडित जी जॉर्ज हैरिसन को सिखा रहे हैं, तो जैसे अलाउद्दीन खान साहब जैसे पंडित जी को, अली अकबर खान जी को जैसे उन लोग शागिर्द को सिखाते थे, तो वैसे क्या पंडित जी आप लोग को या जॉर्ज हैरिसन ऐसे कई स्टॉलवर्ट्स को ऐसे ही सिखाते थे या कुछ अलग? एकदम ऐसे ही सिखाते थे. गुरुजी ने इस संगीत को जैसे सीखा उसी तरीके से उन्होंने उसको सींचा और उसी तरीके से उन्होंने उसको अपने शागिर्दों को सिखाया. हम लोग का भाग्य बहुत अच्छा था कि हम उनके पास रह के, जैसे वो बाबा अलाउद्दीन खान साहब के पास रह के सीखे थे, मैंने भी उनके पास रह के सीखा. उन्होंने हमारा देखभाल किया, हमको सिखाया, और जब वो सिखाने बैठते थे हमको उनमें वो बाबा का रूप मिलता था हरदम. ही मेंटेन द प्यूरिटी एंड द सैंक्टिटी ऑफ दिस म्यूजिक टू द टी ऑलवेज. हाँ तो हम लोग पंडित जी को जानते हैं इज द गॉड फादर ऑफ आवर वर्ल्ड म्यूजिक, तो जब बाबा ने, हम लोग जानते हैं कि बाबा सब एक एक को सिखाते थे अपने पास बैठकर, तो बाबा ने उनको कैसे तैयार किया? लेकिन हम सुनते थे कभी कभी किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि बाबा ने कुछ सिखाया तो उन्होंने उतार नहीं पाया या हाथ में नहीं ले सका, तो तुम उन्होंने बोला कि जाओ हाथे चूड़ी पहनो ऐसे करके, तो फिर वो एक ही इंसिडेंट हुआ था, वो एक ही इंसिडेंट हुआ था. बाबा वाज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. बाबा एक बार कोई चीज सिखाते थे आपको, एक बार मैक्सिमम 2 बार में आपको पिकअप करना है, अगर आप नहीं करेंगे बाबा नाराज हो जाते थे. सो जो बाबा सिखाते थे उसको इन लोग घंटों रियाज करते थे, 8 8 10 10 12 12 14 14 घंटा रियाज करते थे. उसका फल जो है इन लोगों को मिला. दे डिंट परफॉर्म टिल दे गॉट परमिशन फ्रॉम देयर गुरु. दे डिड नॉट प्ले आउटसाइड बिफोर देयर गुरु टोल्ड देम यू आर रेडी, यू कैन गो एंड परफॉर्म नाउ. सो देर इज अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट विच इज रिक्वायर्ड. ये म्यूजिक सिर्फ राग ताल से नहीं होता है, ये म्यूजिक सिर्फ सुनने से नहीं होता है. इस म्यूजिक में बहुत बहुत क्लैरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए. आप झूठ नहीं बोल सकते हैं. अगर आप गुरु को झूठ बोलेंगे तो ये म्यूजिक कभी आपको माफ नहीं करेगा, ये म्यूजिक कभी आपका नहीं होगा. तो इन्होंने उसको फॉलो किया. बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने गुरु का जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से तरीके से निभाया. उसका फल जो है फिर इन लोग सबको मिला. अगर इन लोग जल्दी में होते कि जल्दी जल्दी हम सीख के कल जाके हम बजाएंगे कल, ये तो इन इनमें से सब एवरीबडी वुड बी हाफ बेक्ड. एवरीबडी वुड हैव नॉट नॉट वेरी मच डेप्थ. वो थोड़ा 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 लोग भी 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे ठीक है लेकिन मजा नहीं आ रहा है. लाइफ लॉन्ग टिल द एज ऑफ 92, उस्ताद अली अकबर खान साहब लाइफ लॉन्ग टिल द राइप एज ऑफ यू नो इन हिज 80s,
एवरीबडी देवर ऑल सो फैसिनेटिंग. सरोद उठाते ही जैसे वो स्ट्रोक लगाते थे लोग, हा वाह वाह. क्यों? बिकॉज उन्होंने जो वो साधना किया था, उन्होंने जो अपने गुरु को फॉलो किया था, उन्होंने उनके गुरु ने जो बोला था अभी जाओ इसको ये तान एक बता दिया, अभी इसको 6 घंटा रियाज करके आओ. वो जो उन्होंने अपना अपने गुरु के सामने जो वो सरेंडर किया था, ये सब उसका फल है. मतलब गुरु जी कंप्लीट सरेंडर की भी जरूरत होती है गुरु के पास। उसके पास उसके अलावा नहीं होता. और अगर आप गुरु को झूठ बोलेंगे, गुरु के पास आप एक मतलब से जाएंगे कि मैं जल्दी जल्दी सीख के मैं फिर झट झट प्रोग्राम बजाऊं लोगों के सामने, वो फायदा नहीं होगा. बिकॉज लोगों का अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, वो गारंटी मैं बता सकता हूँ, नहीं मिलेगा. आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं करता हूँ, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, नहीं होगा. हाँ तो गुरु जी, और एक बात है कि जैसे उधर मैंने बोला कि जैसे जॉर्ज हरिजन को पंडित जी सिखाते थे, तो उन कभी कि पंडित जी को भी कभी ऐसे प्रॉब्लम हुआ कि जैसे जॉर्ज हरिजन को वो एक्सप्लेन करते थे, वो पहले कभी ऐसा उनको हुआ कि उनको प्रॉब्लम आती थी जॉर्ज हरिजन को सिखाने के लिए, या जो वो अपने गुरु से सीखे उसको नहीं, जब वो प्रॉब्लम जॉर्ज प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों होगा? क्योंकि जॉर्ज हैरिसन वाज अ एक्सट्रीमली हाईली टैलेंटेड अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन. उसके कान में, उसके खून में भरा हुआ था म्यूजिक, भरा हुआ था सुर, प्लस हिज लव, डिवोशन, रेस्पेक्ट फॉर पंडित जी एंड फॉर सितार. हाँ वो गुरु जी जो उसको बजाते थे, बताते थे, वो पिकअप करते थे, उसको जाके फिर रियाज करते थे. बट जॉर्ज हैरिसन नेवर टुक अप सितार टू बिकम अ आउटस्टैंडिंग सितार प्लेयर. ही प्लेड सितार बिकॉज ही लव्ड द सितार. बस हिज फील्ड वॉज पॉप म्यूजिक, हाँ सो हिज मेन फील्ड वॉज दैट. बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन इंडियन म्यूजिक, एंड पंडित जी ने उनको जो भी सिखाया उसको बहुत रेस्पेक्ट से सीखा. नॉट टू गो एंड परफॉर्म ऑन स्टेज, बट टू नो दिस म्यूजिक अ लिटिल बेटर. अब गुरु जी, जब पंडित जी ने इतने फिल्म में म्यूजिक दिया, तो वो फिल्म म्यूजिक जब वो देखे थे तब क्या वो सा मतलब राग, जो राग होता है वो राग को फॉलो करके फिल्म में म्यूजिक देते थे। नहीं, फिल्म म्यूजिक जो है, कॉम्पोजिशंस जब भी आप करते हैं, यू बेसिकली रिएक्ट टू द मोमेंट, यू रिएक्ट टू द फुटेज, यू रिएक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म. कहीं पे आपको लगेगा नहीं यहाँ पे एक सितार में हम आलाप यमन में करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो आप करेंगे, वो अच्छा लगेगा. कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं इसमें हम यमन बजाएंगे लेकिन यमन में हम दोनों धा दोनों नी लगा के बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, बिकॉज वो जो सिचुएशन है वो डिमांड करता है. सो फिल्म म्यूजिक में यू यूज योर क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी टू क्रिएट अ पीस ऑफ म्यूजिक विच एनहांसेस वॉट द पीपल आर सीइंग. इट इज नॉट द अदर वे अराउंड. म्यूजिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, म्यूजिक इज देयर टू एनहांस वॉट इज बींग शोन ऑन स्क्रीन. सो म्यूजिक इज द सेकेंडरी देयर. तो वहां पे अगर आप बहादुरी करके आपने यमन में तोड़ा, सरगम तान ये सब करके बहुत ज्यादा भर दिया, वो जो सीन का ब्यूटी है वो चला जाएगा. तो आपको देखना है कि ये सीन है, इसको और अच्छी तरह लोग इसको ले सकें, और अच्छी तरह लोग इसको समझ सकें, और अच्छी तरह लोग इसको बाद में याद कर सकें. तो वो म्यूजिक दे के आपने उसको एक लेवल और बढ़ा दिया. दैट इज व्हाट इज फिल्म म्यूजिक ऑल अबाउट. हाँ मतलब जैसे वो राग प्रेजेंट करते थे, जैसे वो म्यूजिक मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कितना अच्छा अच्छा मूवी, पथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार, मतलब नेम देम की, सत्यजीत रे के। और गुरु जी सत्यजीत रे के साथ को, सत्यजीत रे जी के साथ जो उनका बॉन्ड था वो कैसे था? बहुत स्ट्रांग था क्योंकि फ्रॉम द स्ट्रगलिंग डेज ऑफ सत्यजीत रे, फ्रॉम अर्ली ऑन इन गुरुजीज लाइफ, दे केम टुगेदर इन पथेर पांचाली. सो इट वाज अ वेरी स्ट्रांग, ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप दे शेयर्ड. और एक चीज ऐसा भी था कि वो सत्यजीत रे जी चाहते थे कि पंडित जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री अलग से बनाए, तो वो क्यों नहीं बना, एज वो चाहते वो थे। पंडित रविशंकर जी के ऊपर, जब वो उनका ये बोलना था कि पंडित रविशंकर जी इज अ पर्सन
परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मर। परफॉर्मर कैसे दिखना चाहिए, परफॉर्मर कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, परफॉर्मर कैसे स्टेज में आएगा, परफॉर्मर कैसे सितार मिलाएगा, परफॉर्मर सब चीज में ही इज एन एग्जाम्पल। रेंडिशन ऑफ अ आलाप, रेंडिशन ऑफ अ जोड़, रेंडिशन ऑफ अ गत। सो ही कंसीव्ड अ मूवी वेयर थ्रू आलाप जोड़ झाला एंड पॉसिबली अ गत ही कैन शोकेस अ लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट फ्रॉम ए टिल जी। एंड ही हैड इन फैक्ट स्केच्ड मेनी मेनी सीन। हाँ ही हैड बट ड्यू टू आई थिंक व्हाट आई थिंक इट्स लैक ऑफ टाइम बिकॉज पंडित जी बिकेम वेरी बिजी, सत्यजीत रे बिकेम वेरी बिजी, इट नेवर हैपेंड। आई विश इट हैड हैपेंड बिकॉज वी वुड हैव गॉट अ ग्रेट ग्रेट फुटेज इन टर्म्स ऑफ अ होल फिल्म बिकॉज सत्यजीत रे ओनली मेड फिल्म्स व्हाट ही बिलीव्ड इन। ही नेवर मेड लॉट ऑफ देयर वर लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ऑन हिम, लॉट ऑफ पीपल हैड रिक्वेस्टेड हिम टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज ऑन अदर एमिनेंट पीपल एंड ही डिड द फ्यू डॉक्यूमेंट्रीज। आई थिंक ही मेड वन ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर whom he considered his mentor, his guru, and he really you see most of his movies are based out of the stories from Tagore. The another movie he made on the dancer Bala Saraswati. So the only musician who he thought that will be the best representation of our music is Pandit Ravi Shankar ji. He wanted to do it, but it Unfortunately, it never happened. गुरुजी, आज हम जो सितार बजाते हैं खरच पंचम, वो क्या पहले एग्जिस्ट करता था? अगर पहले एग्जिस्ट करता था तो पंडित जी ने क्या कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे या कुछ? सितार में पंडित रविशंकर जी ने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, एडिशंस किए हैं, और जो था उसको बहुत ज्यादा और विस्तृत कर दिया, बहुत बहुत एनहांस कर दिया, और हाँ ज्यादा ब्यूटीफुल कर दिया, और ज्यादा हाँ इतना हो सकता है परफेक्ट कर दिया। लेकिन खरच पंचम पहले भी था। उस्ताद यूसुफ खान साहब, यूसुफ अली खान साहब लखनऊ, हाँ वो सितार बनाते भी थे, वो सितार बजाते भी थे। खरच पंचम सितार बनाते थे, खरच पंचम सितार बजाते थे। इंदौर घराने का जो सितार, पुराना जो इंदौर घराने का जो स्टाइल है उसमें अगर आप जाएंगे आपको पंचम का तार मिलेगा, कभी कभी आपको खरच का भी तार मिलेगा। लेकिन पंडित रविशंकर जी ने उस खरच को एक ऐसे जगह में ले गए जो कि ना पहले किसी ने वैसा सुना या उनके बाद भी जो बजाते हैं, वो जो इफेक्ट है खरच का, जो पंडित रविशंकर जी का स्पेशली वो कन्हैयालाल का सितार और बाद हाँ में नौदू जी का जो सितार जो बना, वो जो खरच का जो गूंज है, खरच का जो वो दो तीन चीज उनका उनके बजाने में है जो बहुत मुश्किल है हमको लगता है। एक तो वो जो आलाप का जो एक बीनकार ध्रुपद का जो एक प्यूरिटी है, एक जो वो खरच पंचम का जो रेजोनेंस है, बोलकारी उनका जो बोल कटता था, हाँ और स्पीड और बोल, स्पीड और गमक, स्पीड, ये जो कुछ चीजें हैं उनका इट वाज आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। श्रुति का जो यूसेज है, जैसे दरबारी अगर हाँ उनका आप सुनेंगे वो अमेजिंग। इवन ऑन अ जोड़ी का तार में, जोड़ी के तार में भी जो वो दरबारी का गंधार वो दिखाते थे, जिस जोड़ी के तार में मीड़ होता ही नहीं है, इट वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। और वो, और एक तो सबसे बड़ी बात है जो सब म्यूजिशियंस उनका बोलते थे, एक तो रागदारी और दूसरा है उनका जो वो जब सितार मिला देते थे एक बार, वो मिलके ऐसा होता था कि लगता था बस यही है, इससे ज्यादा मिलाने में परफेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ तो एक आपने जो भी बोला वो खरच का गुण, वो मुझको एक इंसिडेंट याद है। जब भीमपलासी मॉन्टेरी पॉप में वो बजा रहे थे, एक पार्ट ऐसा था कि वो एकदम खरच से ले खरच का तान बजाते समय वो एकदम तार के गारे सा नी धापा मा गारे सा नी धापा मा गारे सा नी धापा, वो एकदम उससे लेकर उधर तक वो कैसे, मतलब मैं भी इसका वो सोल्यूशन सब नहीं, सब उन्होंने किया, सब उन्होंने किया। वो सो एक स्पॉन्टेनियसली, तो और तार भी पंडित नहीं उतरा। एवरी डिकेड ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस इन 1939, एवरी 10 12 15 इयर्स उनका स्टाइल बदलता रहता था बिकॉज ही हाँ वाज इवॉल्विंग।
ही वॉज इवॉल्विंग, ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एवरी डे, इवन दो हाउएवर बिजी ही वॉज, उनका प्रैक्टिस नहीं छूटता था टिल द एंड. मैं उनके पास, उनके इस पृथ्वी से जाने के एक महीना पहले मैं उनके पास जाके 15 दिन उनके घर में था. इवन इन दैट स्टेट वेन ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज फ्रेल, ही वॉज हैविंग ट्यूब इन हिज नोज फॉर ऑक्सीजन इनटेक, उसमें भी वो दिन में 2 बार बैठ के रियाज करते थे. तो वो रियाज के साथ साथ उनका इंटेलेक्ट, उनका सुनना, उनका बजाना इवॉल्व होता रहता है. तो ये तान है, तान के अलग अलग अंग हैं, तान के अलग अलग प्रकार हैं. तार सप्तक से अति तार सप्तक से खरज तक आना, खरज से अति तार सप्तक तक जाना, ये सब उन्होंने एक ऐसे समय में किया है जब जब लोगों ने सोचा नहीं इसके बारे में. और गुरु जी एक इंसिडेंट तो ऐसा है जो मुझे फील होता है, क्योंकि मैं इतना क्या बोलो, जब वो मोंटेरी का जब तोड़ी बजाते हैं, मोंटेरी पॉप का जो तोड़ी, वो जब मतलब हारमोनी हारमोनी कहते हैं शायद उसको, जब वो करते हैं मतलब एंड फील गूज बम्स, मेरे जो सारे जो बाल है वो मतलब इतना गूज बम्स होता है, मतलब साउंड प्रोडक्शन टेक्निकल. बिकॉज बिकॉज देखिए, हमारा जो संगीत है ये नाद ब्रह्म है, ये आराधना है. तो ये जब सच्चे मन से किसी ने साधना किया है, बजाया है, स्टेज को एक मंदिर माना है, एक प्यूरिटी से वो कभी बिना नहाए बिना साफ कपड़ा पहने वो सितार में हाथ नहीं लगाते थे, वो स्टेज में जब जाते थे एकदम साफ सुथरे होके, रियाज करके, प्रैक्टिस करके, प्रिपेयर होके, और एक डर लेके वो स्टेज में चढ़ते थे कि मैं जा रहा हूं पता नहीं कैसा होगा, वो एक डर उनके मन में हरदम मैंने देखा है कि वो नर्वस रहते थे, वो डरते थे. और जाके लेकिन जब स्टेज में बैठ के वो एक बार मिला के, फिर जब बैठ, वो अगरबत्ती जल गया, वो बैठ गए, और फिर जो वो शुरू हुआ, फिर वो शेर बजाते थे, और फिर उनके अंदर एक ऐसा रूप आता था जो हमने स्टेज में बैठ के उनको कितने बार देखा है कि एक 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 अलग 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 दुनिया में वो भी चले जाते थे, जो सुनने वाले थे उनको भी ले जाते थे. सो इट वाज उनका ये साधना का फल था. और बोथ आई फील पंडित रविशंकर जी और उनके गुरु बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, जिनको हम लोग दादू बोलते हैं, ग्रैंडफादर हमारे, बहुत 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 सदियां बीत जाएंगी, इनका नाम कोने कोने में ये तो रहेगा ही, लेकिन इट विल टेक सेंचुरीज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज एंड अप्रिशिएट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर म्यूजिक. मैं ये बोल के आज का जो हमारा ये सेशन आपके साथ हाँ है, मैं इन दोनों को मैं बहुत 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 प्रणाम करके उनका आशीर्वाद हरदम चाहता हूं कि हम सबको उनका आशीर्वाद मिले, कि हम लोग भी उसी रास्ते पे थोड़ा थोड़ा चल सकें जहां पे हम वो साधना कर सकें जो इन्होंने किया. ये मैं हरदम हरदम प्रार्थना करूंगा. आप अगर अंत में कुछ वीडियो बजाना चाहते हैं, अगर कुछ हाँ करना चाहते हैं, आप अभी आपका मैं एक मिश्र पीलू है 2015 में आप बजाए थे उसका रखा हूँ. आपको आपको मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं. आहिर रियाज करो, हाँ रियाज करो, और बाहर बजाने के उसमें मत रहो, और हाँ कोशिश करो जितना जितना लीन रहो संगीत में, उतना हाँ तुम्हारा जीवन और सफल होगा, आनंदमयी होगा. और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम खुश रहो और अच्छा अच्छा बजाओ, अच्छा करो. थैंक यू, हाँ थैंक यू. अभी आप लोग सब देख रहे हैं पंडित गौरव मजुमदार की एक सबसे अच्छी जो मिश्र पीलू, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं.
बंदिश के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। पीलू जो है इसमें या तो दुबर मिलता है सुनने में या कोई ख्याल बहुत कम मिलता है, और इंस्ट्रूमेंट में भी जो कॉम्पोजिशन है सिर्फ स्थाई है, एक लाइन का कॉम्पोजिशन बहुत मुश्किल से मिलता है जिसमें स्थाई हो, मंजा हो, अंतर हो। तो मेरा छोटा सा कोशिश है इसमें स्थाई भी है, इसमें मंजा भी है, इसमें अंतर है। गौर फरमाइए और आशीर्वाद करिए। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम को इधर ही समाप्त करते हैं। मेरा आशा आप सभी को ये अच्छा लगा है, और आज मैं गुरुजी को भी बहुत प्रणाम करता हूँ, और पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं दूसरे एपिसोड में आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay happy and stay tuned.